उधर यूक्रेन वॉर से डरे नॉर्डिक देशों के लिए इस वक्त सबसे सुरक्षित ठिकाना है नेटो। फिनलैंड और स्वीडन पुतिन के ताप से बचने के लिए नेटो में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने स्वीडन और फिनलैंड पर कुर्दिश संगठनों का समर्थन करने का आरोप लगाया और इन दोनों देशों की दावेदारी का खुलकर विरोध किया। एर्दोगान की नजर में कुर्द आतंकवादी हैं। इसी मानसिकता ने भारत के गेहूं बाजार को भी प्रभावित किया है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए छलिया, एंग्स्ट अगेंस्ट इंडिया। 30 अप्रैल 2017, 27 जुलाई 2018 और 29 जून 2019, जगह अलग थी, आयोजन भी अलग था, लेकिन पीएम मोदी से मिलने के पीछे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का मकसद एक था। तुर्की के पास खुद का तेल और गैस भंडार नहीं है, इसलिए उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत थी। तुर्की में उसी क्वालिटी का थोरियम मिलता है जो केरल में मिलता है। एर्दोगान चाहते थे कि मोदी सरकार थोरियम से बिजली बनाने की तकनीक तुर्की को दे दे, लेकिन तीनों ही बार मोदी के आगे एर्दोगान की दाल नहीं गई। भारत ने परमाणु बिजली बनाने की तकनीक तुर्की को नहीं दी। नरेंद्र मोदी के इस रुख ने एर्दोगान को नाराज कर दिया, लिहाजा एर्दोगान ने नया पैंतरा चला। 2019 में संयुक्त राष्ट्र के मंच से एर्दोगान ने कश्मीर का जिक्र छेड़ दिया। कश्मीर पर तुर्की की पाकिस्तानी सुबह सुनकर हिंदुस्तान अलर्ट हो गया। मोदी ने उसी जगह से एर्दोगान को एक और झटका दिया। नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। ये तीन देश थे साइप्रस, आर्मेनिया और ग्रीस। इन तीन देशों से तुर्की का बहुत पुराना विवाद है। मोदी ने अपनी एक मीटिंग से एर्दोगान को मैसेज दे दिया कि चादर के बाहर पैर मत फैलाओ, अपनी हैसियत में रहो। इसके बाद मोदी सरकार ने कूटनीतिक तरीके से एर्दोगान को सबक सिखाना शुरू कर दिया। तुर्की से आयात होने वाली चीजों में कटौती की, तुर्की की कंपनियों को दिए अरबों के टेंडर रोक दिए गए। तब से लेकर अब तक तुर्की और भारत के बीच रिश्ते कई बार तिरेल हुए, लेकिन मई के आखिरी हफ्ते में तुर्की ने एक नापाक हरकत कर ली। 56,877 टन भारतीय गेहूं से लदे जहाजों को तुर्की ने वापस गुजरात भेज दिया। तुर्की ने दलील दी कि भारत के गेहूं में रुबेला वायरस मिला है। दरअसल गेहूं में कोई वायरस नहीं था, ये सब तुर्की ने जानबूझकर किया था क्योंकि दुनिया में भारतीय गेहूं की डिमांड बढ़ रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और यूरोपीय संघ के गेहूं और भारतीय गेहूं के बीच कीमतों में 17 रुपए प्रति किलो का अंतर। अप्रैल 2021 की तुलना में भारत ने इस साल 5 गुना अधिक गेहूं एक्सपोर्ट किया। ये सब तुर्की और पाकिस्तान की कट्टर गैंग पचा नहीं पा रही थी, इसलिए भारतीय गेहूं को बदनाम करने के लिए तुर्की ने ये सारा ड्रामा रचा। तुर्की के तुगलक एर्दोगान के दिल में आज भी कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का दर्द है। जंग की इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है। 2020 के अंत से पहले अजरबैजान और आर्मेनिया में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। नागोर्नो कराबाख में 50 दिनों तक कत्लेआम मचा। इस विनाशकारी जंग का मास्टरमाइंड भी तुर्की था। कराबाख के मैदान में बारूद का शोर थमा तो एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया कि नागोर्नो कराबाख में खूनी खेल खेलने के बाद एर्दोगान अपने भाड़े के हथियारों को कश्मीर भेजने की तैयारी में। तुर्की के इस दांव के पीछे बाजवा और इमरान की साजिश थी।